18 इयर्स की हूँ, मैं 15 इयर्स की हूँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ? इसको लेने से जो भी साइड इफेक्ट होता है वो, तो आप इसे कंज्यूम मत कीजिए। बॉडी पूरा एकदम शराब की तरह नशे में झूमता रहता है। इसे लेने से क्या वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है। इसे लेने से फुल बॉडी में रैश हो जाता है। एंड हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा कोलेजन बिल्डर के ऊपर रिव्यू। मतलब ये एक्चुअली एक प्रॉपर रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन उन वीडियोस में भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। नाउ पीसीओडी या पीसीओएस जिनको है, क्या वो कोलेजन ले सकते हैं, या क्या कौन कौन इसे ले सकता है, एंड अगर आपके पिम्पल्स है तो आप इसे ले सकते हैं कि नहीं, इसे लेने से पिम्पल्स की प्रॉब्लम चली जाएगी कि नहीं, या फिर इसको लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसको लेने से जो भी साइड इफेक्ट्स होता है वो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट्स ओजीवा प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर। तो ये प्लांट बेस्ड एक कोलेजन बिल्डर है, राइट? सो अब काफी सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट में रिसीव होते हैं उन दोनों वीडियोस के नीचे कि इसे कौन कौन से पर्संस ले सकते हैं नॉल। तो मैं सारे आंसर्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, आज का वीडियो पूरा रिव्यू वीडियो नहीं है, तो अगर आपको इसके ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जानना है, अगर रिव्यू जानना है, और अगर आपको कुछ भी रिलेटेड इसके रिलेटेड जानना है, तो वो दो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई बटन पर शेयर करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं शेयर करूंगी। सो जरूर चेक कीजिएगा। जो सबसे ज्यादा सवाल मुझे रिसीव हुआ कि मैं 18 इयर्स की हूँ, मैं 15 इयर्स की हूँ, क्या मैं ये ले सकती हूँ? तो एक ने मुझे कहा कि शी इज 18 इयर्स ओल्ड और उनके फेस पर बहुत सारे फाइन लाइन्स है, रिंकल्स आ गए हैं, एंड फेस बहुत ही ज्यादा ड्राई है। सिर्फ फेस ही नहीं, हैंड्स भी बहुत ज्यादा ड्राई है। तो क्या उन्हें ये लेना चाहिए? बिकॉज शी रियली नीड दैट। बट स्ट्रिक्टली आई ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम, अपने हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, देन इसे आप 20 इयर्स के अगर बिलो एज के हैं तो आप इसे मत लीजिए। मतलब अगर आपकी एज 18 हो या 19 हो, अगर 20 से नीचे है आपकी एज तो आप इसे कंज्यूम मत कीजिए। अगर आप 20 इयर्स के हैं तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 40 इयर्स के हैं फिर भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। 20 इयर्स से बिलो हमें जनरली कोई जरूरत नहीं पड़ती है कोलाजन की। आफ्टर 20 हम कोलाजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कोलाजन हमारे बॉडी का मोस्ट अबंडेंट एक प्रोटीन है, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, जो हमारे स्किन सेल्स को टाइटन रखता है, हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस और यंगर लुकिंग दिखाता है। सो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए कोलाजन इज रियली इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। बट अगर हम लोग एक्सटर्नली लेते हैं तो क्या है कि एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है, स्किन फ्लॉलेस दिखता है, हम थोड़ा सा हेल्दी भी होते हैं। ये भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि इसे लेने से क्या वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है? नो, नथिंग रिलेटेड टू योर वेट। लेकिन हाँ, इसके टाइम रिलेटेड भी काफी सारे क्वेरीज थे, जैसे कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं इसे इवनिंग में लेती हूँ या फिर रात को सोने से पहले लेती हूँ। इवनिंग में हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें ये मॉर्निंग में लेना चाहिए। बेस्ट होगा अगर आप एम्प्टी स्टमक इसे ले, अगर वो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये थोड़ा सा टैंगी सा है, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ब्रेकफास्ट के जस्ट आधा घंटा या एक घंटा बाद इसे कंज्यूम कर लीजिए, दैट्स इट। क्योंकि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हम 12 बजे से पहले, मतलब दिन में 12 बजे से पहले कुछ भी अगर लेंगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई अगर हम लोग 12 बजे से पहले इसे लेते हैं, ब्रेकफास्ट के आधा या एक घंटे बाद, तो जल्दी ये डाइजेस्ट होने का टाइम इसको मिलता है, बहुत इजिली ये डाइजेस्ट होता है, तो प्रोसेस पूरा स्मूथ रहता है, आपके बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग इवनिंग में ले रहे हैं तो ये डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, तो दैट्स द मेन रीजन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग इज दैट स्लीप डिस्टर्बेंस। काफी सारे आर्टिकल्स में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि कोलाजन अगर हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं तो इससे हमको ज्यादा नींद आएगी। बट नो, दैट्स नॉट द केस। अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो शायद ये हो सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, योर बॉडी रिक्वायरमेंट, आपकी एज कितनी है, आपकी जेंडर क्या है, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ये टोटली हम लोग नहीं बोल सकते कि इसे लेने से स्लीप अच्छा होगा, ऐसा कुछ। स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, मतलब आपके बॉडी टाइप के अनुसार आपका स्लीप पैटर्न जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब आपको नींद आ भी सकती है या फिर नींद नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। सो आप अवॉइड करें कोलाजन रात को लेने से पहले, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। सेफ साइड रहोगे आप। और जो मैंने टाइम बताया इसको लेने का, जो बेस्ट टाइमिंग है वो है कि आप इसे ब्रेकफास्ट के आधा या एक घंटा बाद कंज्यूम करें, दैट्स इट।
सो आई थिंक मैंने ये जो क्वेरी है टाइमिंग रिलेटेड ये मैंने सॉल्व किया है. रात को अवॉइड करना विल बी गुड, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो काफी सारे कमेंट्स में मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस है यूट्यूब पर जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसे लेने से फुल बॉडी में रैश हो जाता है एंड बॉडी पूरा एकदम शराब की तरह नशे में झूमता रहता है. आई मीन दे आर सो फनी, मतलब कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं इतना हंसी क्या बताऊं. बहुत ही फनी लगा मुझे ये कमेंट जिन्होंने वो वीडियो बनाया है. मे बी वो किसी पर्टिकुलर इन्ग्रीडियंट से वो एलर्जिक है, ये भी हो सकता है. हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से एलर्जिक है, तो शायद वो किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक थे इसीलिए उनको इस तरीके का यू नो रिएक्शन हुआ. तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. मैंने काफी लोगों से बात भी की है जिन्होंने ये कोलेजन बिल्डर रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल किया है एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा. सो आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पहले चेक कीजिए कि आप किसी चीज से एलर्जिक है कि नहीं, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए. एंड हाँ, बॉडी ऐसे नशे में झूमता है ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप रात को अवॉइड कीजिए, रात को शायद आप ले तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है. शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यादा स्लीप आ रही है, ये भी हो सकता है, इसी वजह से शायद आपको ऐसा फील हो रहा है, ये भी हो सकता है. सो द सेफ टाइम इज कि आप इसे मॉर्निंग में ले लीजिए. सो ओके द नेक्स्ट अगेन एक कमेंट मैंने काफी सारे कमेंट्स रिसीव किए हैं कि ये क्या पिंपल को ठीक करता है. देखिए कोलाजन हमारे बॉडी का एक प्रोटीन है, इससे कोई पिंपल से कोई लेना देना नहीं है. डेफिनेटली ये बॉडी को हेल्दी बनाता है, लेकिन पिंपल्स इज टोटली रिलेटेड टू डिटॉक्सिफिकेशन. जैसे पिंपल्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप ओजीवा जो सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स है इसे लेना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज टोटली फॉर पिंपल्स. क्योंकि ये ना आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. आप हर रोज मॉर्निंग में इसे एम्प्टी स्टमक लीजिए या फिर ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद आप इसे लीजिए, तो क्या होगा कि ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है. तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, इससे फेस क्लियर होता है, बॉडी क्लियर होती है एंड दैट्स व्हाई पिंपल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होता है. नाउ पीसीओडी या पीसीओएस जिनको है, क्या वो कोलाजन ले सकते हैं या क्या वो नहीं ले सकते, तो पीसीओएस का एक अलग से प्रोडक्ट आता है ओजीवा का. आप उनको उसको परचेज करके आप उसे इस्तेमाल कीजिए. वो हर जो प्रॉब्लम्स है ना पीसीओएस रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम्स को वो कवर करता है. तो वो एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ही आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो या आई होप मैंने आप सबके जो भी क्वेरीज थे वो मैंने सॉल्व किए हैं. अगर फिर भी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. मैंने इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में सब कुछ मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और हाँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे उन्होंने कोई पेमेंट नहीं दी है इस वीडियो को करने के लिए. मैंने जेन्युइनली काफी सारे आप लोगों के कमेंट्स पड़े एंड आई थॉट कि आप लोगों की हेल्प थोड़ी सी करनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड शेयर द वीडियो. सो या आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.